मैं मुक्तेश्वर कड़भाने भिलेगांव तालुका परली जिला बीड इस गांव से हूँ। ये आप जो देख रहे हैं जो पीछे वाला डैम बना हुआ है, इसकी वजह से इसका एक फ़ायदा हुआ कि गांव का जो वाटर लेवल बढ़ने की वजह से गांव में जो पानी का प्रॉब्लम था पहले, वो पीने का पानी का प्रॉब्लम बहुत था। हमारे गाँव में पहले 12 महीने से 6 महीने तक पानी टैंकर से आता था। उस टैंकर का एक हमारे गांव में एक बड़ा बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यह हादसा ऐसा हुआ कि गांव का एकदम 22-23 उम्र का युवा वो टैंकर के नीचे आके वो मर गया था। उसकी वजह से गांव में जो डिप्रेशन पैदा हुआ था, उस लोग अभी भी वो मंजर देख के ना अब सन्नाटा छा जाता है। अभी कोई नहीं चाहता कि गांव में फिर से कोई टैंकर आ जाए और किसी का बेटा उस टैंकर के नीचे आके उसका हत्या ना हो जाए। ये बहुत बड़ा हम लोगों ने ग्लोबल परली के साथ मिलके, मयंक जी सर के साथ मिलके हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि पीछे वाली पीढ़ी को पानी की वजह से अपने एक बच्चा खोया था, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो टैंकर ही ना देखे, ये हम लोग आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं और उनको बता देंगे कि नहीं, ये हमारे गांव में जो काम हुआ है वो मयंक जी सरो ग्लोबल परली के सहाय से ही हुआ है। और उस उनके जैसे हम लोग को देवता तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको महामानव बोल सकते हैं। उन्होंने जो काम किया हुआ है वो काम हमारी पीछे वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी और आने वाली हर पीढ़ी याद रखेगी। आप जो यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं ये केटीवेयर है, जो हमने ग्लोबल परली के मदद से और गांव वालों के अपने लोकवाटे से बनाया हुआ ये केटीवेयर है। और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये पापनाशी नदी है। ये पूरा नदी की लंबाई 24 किलोमीटर है, इसकी और इसकी चौड़ाई है 100 मीटर। हम लोगों ने भिलेगांव, कौड़गांव, परचुंडी, वागाला, ये जो पूरा एरिया है, हम ग्लोबल परली के मदद से हम लोगों ने इस नदी का पूरा खोलीकरण और रुंदीकरण किया हुआ है। इससे पहले क्या था कि हमारे नदी का रूप ही उसको नहीं था। ये नदी पूरा भरा हुआ था, इसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ आया हुए थे। इसके नदी के अंदर पूरा गाल भरा हुआ था। इसके आप जो पीछे छोटा छोटा पत्थर देख रहे हैं, इसका पूरा एक भरा हुआ था। इसकी वजह से हमारे गांव में जब बारिश में पानी आता था तो हमारे गांव का पूरा, मैं सिर्फ भिलेगांव का बोल सकता हूँ, तो भिलेगांव में कम से कम 100 हेक्टर की फसल इस पानी की वजह से बर्बाद हो रही थी। और 100 हेक्टर की फसल बर्बाद होने की वजह से इस गांव का पूरा अपना इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो रहा था। और उसकी वजह से गाँव में लोगों को रोजगार का प्रॉब्लम था, गांव में सब पैसा नहीं हो तो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। लेकिन ये काम होने के बाद जो गांव में बदलाव आया हुआ है, मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ कि ये नदी का खोलीकरण रुंदीकरण होने के बाद इसका एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ के गांव का ग्राउंड वाटर लेवल जो पहले 400-500 फीट तक था, अभी वो बोरवेल को 100 फीट के ऊपर आ गया है और कुएं का तो एकदम 10 या 15 या 20 फीट तक आ गया है। आप यहाँ मेरे बाजू में कुआ है, बाद में हम लोग कुएं में जाके भी देख सकते हैं कि अभी जून का पहला महीना अठौड़ा है, तो उस पहले अठौड़े में बारिश अभी तक हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ का वाटर लेवल एकदम 15 से 20 फीट तक आया हुआ है। और उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो खेतों के लिए पानी चाहिए था वो पानी भी मिल गया, और जो पानी की वजह से खेत में जो फसल की बर्बादी हो रही थी वो भी रुक गई। और दूसरा भी इकोसिस्टम में एक बदलाव आ रहा था कि जो खेत में जो मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, वो भी मिट्टी बह के सीधा पानी के साथ समुंदर में चली जाती थी। उसका एक मिट्टी बहने से जो खेतों की जो अच्छी मिट्टी थी, फसल उपजाऊ मिट्टी थी, मिट्टी भी अभी फसल भी उस मिट्टी में फसल भी अच्छी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि गांव में जो लोगों के पास पहले पैसा नहीं था, उसका
इकोनॉमिक सिस्टम जो खराब हुआ था वो इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ गया है। वो इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ गया और उसकी वजह से लोगों के अंदर वो पढ़ाई का सिस्टम अच्छा चल रहा है, उसको किसान अभी उसके बच्चे को पढ़ा भी सकता है और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से रह सकता है, उसके बीवी बच्चों को भी वो अपना खाना पीना अच्छी तरह से खिला सकता है, उसका जो प्रायोरिटी चीज़ है वो भी अभी अच्छी तरह से मुहैया कर सकता है। और बाद में सिर्फ आपने किसानों का सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं बढ़ गया, इधर का जो नेचुरल सिस्टम था वो भी अच्छी तरह से बढ़ गया है। इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि पानी की उपलब्धता के वजह से किसान अब ड्रिप का सिस्टम भी यूज करके अभी खेती में वो अलग अलग तरह के पेड़ भी लगा रहा है उसका, और उसकी वजह से उसका भी। मुक्तेश्वर, हाँ याद है कुछ साल पहले 2018 में जब नदी का हमने काम शुरू किया, ये पापनाशी नदी, ये इसको खोलीकरण ढूंढीकरण यानी डीपनिंग और वाइटनिंग जब हमने किया, क्योंकि हम समझ रहे थे कि पानी को, जो बहता पानी है उसको चलना सिखाना पड़ेगा, चलते हुए पानी को रुकना सिखाना पड़ेगा और रुके हुए पानी को जमीन के अंदर डालना पड़ेगा। जो 500 फीट के ऊपर जो पानी आता था, अब आप देखिए आपके बाजू में जो कुआ है, जो वेल है, उसमें 25 फुट के ऊपर पानी आ गया है। तो ये पूरा पानी का जब काम हुआ जो, तो उसमें सारे गांव, आपका भिले गांव, परचुंडी, वागाला, फिर सेलू, साबला, ये सब गांव और दूसरे भी सब गांव ने मिलके जिस प्रकार से काम किया, नहीं सिर्फ काम नहीं किया, 13,55,000 रुपया आप लोगों ने इकट्ठे किए, बाकी हमने सरकार से लिए थे, कुछ मित्रों ने भी पैसे दिए, लेकिन जिस प्रकार से 8-8 घंटा धूप में काम करते थे, मुझे याद है हम लोग चलते थे 45, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इसी नदी के अंदर इसी जगह पे, और सरकार से हमने सारे डैम बनवाए, 5 आपके पीछे वैसे 5 बड़े डैम, 62 छोटे वाले डैम, 162 हमने फार्म पॉन्ड बनाए। आपको याद है कि एक एक पॉन्ड बनाने के लिए 500, 600, 700 पूरा का पूरा गांव उमट पड़ता था, 45 दिन तक हमने काम किया है। और मुंबई से हमारे बहुत मित्र भी आए, पुणे से आए, देश भर से मित्र भी आए हमें हाथ बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार से ये काम हुआ है, ये एक अलग ही मूवमेंट था और उसके चलते पूरा चळवळ, जो जोश, जो जीवन, जो चेतना इस एरिया के अंदर आई है, उसके अंदर ये पानी के ऊपर का काम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पानी आने से जमीन जिंदा हो गई, जमीन जिंदा हो गई तो झाड़ उगने लगे, गवत यानी ग्रास होने लगा, बर्ड्स आने लगे, इंसेक्ट्स आने लगे, ये पूरा एरिया जो डेड हो गया था ये पूरा पानी के चलते स्टार्ट हुआ और लोगों के अंदर जोश आ गया कि हम कैसे इसको बदलें। और आप और आपकी जो युवा की जो टीम थी, एक नया लीडरशिप गांव के अंदर बैठ गया। मुझे उस सारे दिन अभी भी बरोबर याद है, 2018 में जो पानी का हमने जबरदस्त काम किया था उससे ये पूरा एरिया में फर्क आ गया और उसके चलते अभी हम पेड़ भी लगा सकते हैं। अगर पानी नहीं होता तो न पेड़ लगता न कुछ लगता। और 2018 सबसे सूखा था बड़ा आपके एरिया में, लास्ट 8 साल में 5 साल सूखा पड़ा है, उसके बाद भी ये सब जीवन तो ना, ये मनुष्य की ताकत है, ये सब लोग एकत्रित होते हैं तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आपका अभी वहाँ पे कैसा है, जोश है कि ठंडा पड़ गया? मैं लास्ट टाइम आया तो वही जोश था, लेकिन कोरोना के चलते कुछ समय से नहीं आया हूँ, तो वही एनर्जी रखना, ये कोरोना वगैरह तो आते रहेगा। हाँ सर, ये जो हमारा शुरुआत हुआ, पहले तो गांव में सब डिप्रेशन में था, अभी कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग का ऐसा ही जिंदगी गुजार बसार करके रहेगा। लेकिन जब से ग्लोबल पर्ली गांव में आया, जैसे कि गांव को जैसे कि नव संजीवनी बूटी मिल गई, गांव के अंदर जो पॉलिटिकल क्या डिवाइडेशन था वो भी ख़त्म हो गया और उसकी वजह से गांव में जो एकता हुई है, जो गांव में जो श्रमदान का चलवल हुआ, जो श्रमदान की वजह से गांव में पूरा 1.5 महीना 45-47 डिग्री में जो काम हुआ, गांव का सबसे बूढ़ा
आदमी लेके गांव का छोटा बच्चा तक जिसका जितना श्रमदान उसकी वजह से हो सकता था उसने किया, और उसकी वजह से जो गांव में जो एक संतता निर्माण हुई है वो अभी कोई भी आदमी आके गांव में नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी आदमी यहाँ के अपने को कोई नहीं बचा सकता। जो करना है हम लोगों को, हमें ही खुद आगे बढ़ के करना है। और अभी गांव में जो अभी सिस्टम चालू हुआ है वो हम लोग सब क्या करते हैं कि कोई भी अगर गांव में काम करना है तो सबको लेके साथ में करते हैं। और पहले हम लोगों ने जो ग्लोबल पर्ले के साथ जो काम किया, गांव का सबसे गरीब से गरीब आदमी और गांव का सबसे बड़ा से बड़ा आदमी जिसको जितना सहयोग मिलना चाहिए था उसको दे सकता था, 10 रुपये से लेके 10,000 तक हम लोगों ने गांव का सहयोग लेके ग्लोबल पर्ली के सहायता से हम लोगों ने ये बंधारा और नदी का खोलीकरण रुंदीकरण किया है। वो अभी अभूतपूर्व काम है, इसका कोई जवाब नहीं है सर। और उसकी वजह से क्या हुआ कि गांव में अभी पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन उसका जो अपने बाकी का एरिया में जो परिवर्तन हुआ है वो खेती के में, जो पहले क्या करता था कि किसान की एक किसी को कपास लगाने का है, किसी को सोयाबीन लगाने का है, अभी उसको बदल के वो पपाया, सीताफल, अपना केसर जैसे पौधे है, लिम्बोनी जैसा है, वो सब लगा के अपना अपना सिस्टम अलग तरह से चालू कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसका आमदनी भी बढ़ गया है अभी, और पर्यावरण के लिए भी वो सहायता कर रहा है। उसको अभी पता चल गया है कि अभी हम लोग सब डिवाइडेशन होके नहीं कर सकते, हम सब मिलके हम सो करेंगे। तो मुक्तेश्वर, जब मैं आया तब मुझे ये लग रहा था कि जितने तरुण है, जितने यंगस्टर्स है, वो खेती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुमको देख के, तुम्हारे जैसे जो युवा सब को देख के मुझे बहुत खुशी है कि अभी खेती के अंदर हम लोग वापस काम जोर शोर से शुरू किया है, और इनकम बढ़ने के कारण जो शहर में भी गए थे उसमें से भी कुछ लोग वापस आ गए। तो ये जो जोश है, ये जो ताकत है, ये जो सब इकट्ठे मिलके एक सरीखा अपने झगड़े बगड़े भूल के जो काम कर रहे हैं, ये काम आगे करते रहना। हमको मराठवाड़ा को बदलना है, हमको यहाँ पे जो आत्महत्या हो रही है इसको टोटली बंद करना है। तो मुझे आपका और आपके सारे गांव का और आजू बाजू के गांव का सहकार चाहिए, हम सब मिलके इसको करेंगे। शुक्रिया सर। आपने जो हमारे अंदर जो नव संजीवनी डाल दी है, हम लोग जिंदगी भर तो हम लोग नहीं भूल सकते, और हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे कि ये जो काम हमने किया है ग्लोबल पर्ली के सहकारेश्वर मयंक सर की साथ से, हम लोग हमें तो पता ही चला गया, हमारे आगे की पीढ़ी भी इसको याद रखेगी और सबको बता के जाएगी कि नहीं नहीं अभी पहले तो गांव में डिप्रेशन था, लेकिन अभी गांव शहर की तरफ नहीं चलो, अभी एक गांव की तरफ चलो, ये मूवमेंट अभी गांव में चल रहा है सर। धन्यवाद मुक्तेश्वर, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद। जय हिंद।